कविता चौधरी। कविता चौधरी, ताकि मैं कविता चौधरी को अपना वकील बना लूं और तू सारी जायदाद अपने नाम करवा ले। कल तो तूने धमकी दी थी, आज उसे सच करने का अच्छा आइडिया दिया तूने मुझे। और कोई रास्ता है आपके पास? यहाँ तो मुझ पर भरोसा कर लीजिए और कविता चौधरी को अपना वकील बना लीजिए, या फिर अपना वकील खुद ही ढूंढ लो। कर सकते हैं आप? आया तो मैं यहां यह सोचकर था कि शायद इस समस्या का समाधान हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। मैं मानता हूं कि मैं जिंदगी में आज तक कुछ नहीं कर पाया। इस जायदाद के चार हिस्से होते हैं, होने दो, लेकिन अब मैं अपना वकील खुद ढूंढूंगा और इस जायदाद में अपना हिस्सा लेकर आऊंगा। मौसी जी, आपकी कोशिश एकदम बेकार है। यश और मैं कभी एक नहीं हो सकते। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं अखिलेश के साथ मिल जाऊं? ये नहीं हो सकता। एक होने के लिए नहीं कह रही हूँ, एक और एक 11 बनो ये समझा रही हूँ। थोड़ा बर्दाश्त कर लो। मौसी जी, अखिलेश भानु प्रताप सिंह को बर्दाश्त करना नहीं आता। और कितना बर्दाश्त करो? नहीं, अब और नहीं। अरे बाबा, कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से सब कुछ सीख कर नहीं आता। बर्दाश्त करना सीख जाओगे तो अच्छा होगा। मुझसे नहीं होगा। और बर्दाश्त करना नहीं सीखोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। अरे होने दो जो होना है, क्या नुकसान होगा? रुद्र चेतना के साथ मिल गया है और बचपन की दोस्ती की खातिर वो उसकी मदद कर रहा है। और तुम दोनों भाई तो खून के रिश्ते से जुड़े हुए हो। एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो अपना ही नुकसान करते रहोगे। ये कहावत तो सुनी होगी ना कि दो लोगों की लड़ाई में हमेशा बाजी तीसरा मार ले जाता है। ये सारी जायदाद चेतना को मिल जाएगी और तुम दोनों मुंह लटका के रह जाओगे। जो आदमी मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहा है, उस दो कौड़ी के आदमी से अपनी बीवी की बेइज्जती नहीं करवाना चाहता। हाँ हाँ, मत कराओ यश से अपनी बीवी की बेइज्जती। लेकिन जब पूरी तरह से कंगले हो जाओगे तब अपनी बीवी को सड़क पर ले लेकर भटकोगे, तब सिर्फ अपनों में नहीं सरेआम उसकी बेइज्जती हो जाएगी। सड़क पर खड़े होकर अपनी बीवी से भीख मंगवाने से अच्छा है अपने भाई से हाथ मिला लो। और मेरी बीवी की जो बेइज्जती हुई है उसका क्या, उसे भूल जाओ? नहीं नहीं, बिल्कुल मत भूलो। लेकिन जब लुटपिट जाओ तो इस बॉसी की बात को याद रखना, बाल रोशते रहना, सोचते रहना कि काश उस वक्त मौसी की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अरे क्यों बुरे दिन देखना चाहते हो? अब देखो, तुमने यश की बीवी की बेइज्जती की, तुमने अखिलेश की बीवी की बेइज्जती की, हिसाब बराबर। जब हिसाब बराबर हो चुका है तो आपस में लड़के हिसाब किताब क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे भूल जाओ अपनी अकड़। याद रखना, आंधी तूफान के सामने वही पेड़ खड़ा रहता है जो तूफान के समय थोड़ा सा झुक जाता है। लेकिन जो पेड़ आंधी तूफान के सामने अकड़ कर खड़ा रहता है, उसे तूफान जमीन पर औंधे मुंह गिरा देता है। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। अकड़ में रहकर तुम गरीबी में घुट घुट के जीना चाहते हो या फिर अकड़ भुलाकर जायदाद हासिल करना चाहते हो? लगता है तीर निशाने पर लगे। राधारानी, तुम जिस काम की जिम्मेदारी लेती हो उसे पूरा जरूर करती हो, पर क्या कमाल पूरा करती हो। क्योंकि दुखी पे दुखी हो या सत्ते पे सत्ता, गौर से देखा जाए तो बस है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। अब तो दोहरा मकसद है, पहला पापा की आखिरी इच्छा और दूसरा रूपा को सबक सिखाना। रूपा जब वापस आएगी ना तो यश और अखिलेश को साथ देखकर चल बुनकर खाक हो जाएगी। अरे पहले यश और अखिलेश एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार तो हो। उसकी फिक्र मत करो, हो जाएंगे। कैसे हो जाएगा? ये दोनों एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, हमें तो कोई वजह चाहिए उनके लिए। वजह मैं दूंगी। वजह तो मिल जाएगी,
पर मैं सोच रहा हूँ कि चेतना को अचानक इन सब बातों के बारे में कैसे पता चला और वो अचानक यहाँ भी आ गई। यही तो पता लगाना है कि आखिर चेतना को यहाँ के बारे में किसने बताया, और जिसने भी बताया है शायद उसी ने उसे यहाँ भी बुलाया हो। उसी ने? पर वो है कौन, कहीं भुआ जी तो नहीं? जो भी है थोड़े दिन में पता लग ही जाएगा। तुम्हें किसी पर शक है क्या? अभी तो बस शक है। पर वो है कौन? जब शक यकीन में बदल जाएगा तो आप दोनों को उसके बारे में बता दूंगी। कोई फर्क नहीं अलबत्ता जिनके प्यार को प्यार मिला। तेरा अच्छा है दोस्त, तेरे पास दिल नहीं, जब दिल नहीं तो दर्द नहीं, और दर्द नहीं तो दर्द का इलाज ढूंढने की जरूरत भी नहीं। मुनीम जी, ये क्या हाल बना रखा है? इतना दर्द हो रहा है तो कुछ लेते क्यों नहीं? लिया ये देसी। मैं देसी गर्ल। मुनीम जी, आप मेरे प्यार के नशे में इतने चूर चूर हैं? नहीं मतलब आपने प्यार किया ही कहा राधा रानी जी, जो प्यार का नशा हो। आप तो हाँ भी नहीं कह रही, इसीलिए मैं देवदास बनना चाहता हूँ। बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, पारो ने भी कहा शराब छोड़ दो, इसके आगे भी कुछ था पर मैं भूल गया। कोई बात नहीं, जो भी बोला बड़ा कमाल का बोला, आप तो शाहरुख से भी ज्यादा अच्छे देवदास हैं। सच्ची मुच्ची? एक मिनट, क्या हुआ? इसमें तो वो देशी शराब की महक भी नहीं आ रही, क्या है इसमें? देशी नींबू का पानी। क्या? हाँ, मैंने सोचा ये शराब की खाली बोतल में थोड़ा नींबू पानी डाल देता हूँ, कुछ तो नशा होगा। पर राधा रानी जी, सच कहूँ आपके प्यार के नशे में मैं ऐसा चूर हो गया हूँ कि बाकी कोई नशा चढ़ता ही नहीं है। सच्ची मुच्ची? मान लिया कि आप मेरे देवदास हैं और मैं आपकी पारो, तो मेरे देवदास जी अपने पारो को बताइए, आप तो इस परिवार के साथ बहुत सालों से जुड़े हैं ना? हाँ, तो फिर मुझे चेतना के बारे में बताओ, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसके शौक, बचपन में वो कैसी थी, सब बताओ। मुझे चेतना के बारे में सारी जानकारी चाहिए। लेकिन राधा रानी जी, चेतना के बारे में आप ये सब क्यों जानना चाहते हो? क्यों जानना चाहते मतलब? रिश्ते ही रिश्ते। हाँ, अब देखो, अब चेतना एक कुंवारी लड़की है ना? हाँ। तो अगर मुझे उसके बारे में सारी जानकारी होगी तो मैं एक अच्छा सा लड़का देकर उसकी शादी कर सकती हूँ ना? सोचो, रिश्ते ही रिश्ते के नासिक ब्रांच की बोनी भानु प्रताप सिंह जी की बेटी के साथ हो तो हमारा कितना नाम होगा। नाम होगा तो और रिश्ते जोड़ने का काम आएगा तो पैसा आएगा तो हम लोग अमीर हो जाएंगे तो मैं अपनी बिमला बीना की शादी धूमधाम से कर सकती हूँ, और फिर मैं टोटली फ्री, और फ्री हो जाऊंगी तो हमारी शादी होगी, और हमारी शादी कोई ऐसे थोड़ी ना होगी, आसमान में हवाई जहाज पर होगी, और हनीमून मून पर होगा। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम है तैयार चलो। बताओ क्या चेतना के बारे में? हाँ तो सुनो। हाँ। कहाँ से शुरू करूँ? अरे बचपन से शुरू करो ना, बताओ चेतना बचपन में कैसी थी, फिर कैसी हुई? बचपन में वो एकदम छोटी थी, फिर थोड़ी बड़ी हुई तो शैतान भी हुई। खुशबू बहुत अच्छी है। अरे इसे किसने कह दिया कि अपनी माँ के पास जाकर बैठे?
बड़ी भूख लगी है, खुशबू तो कमाल की आ रही है। अरे वाह, घर के सभी सदस्य साथ में खाना खाने बैठे। वो देखो भाई, आ गई हमारी बसंती।